ये हमारी कार है और ये हमें और ये हमारी पार्टी हो रही है और ये हमें और ये हमारी पार्टी हो रही है। ये है हमारा चैनल, ये है पापा की परियां और ये है पापा की परियों की पार्ट टू वाली वीडियो। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पापा की परी पार्ट टू वाली वीडियो में। पार्ट वन वाली वीडियो को बहुत सारा प्यार देने के लिए आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद। दोस्तों जिन दोस्तों ने पापा की परी की पार्ट वन वाली वीडियो नहीं देखी तो वीडियो देख लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसा कि आपने पार्ट वन वाली वीडियो में देखा, बहुत सारी परियां उड़ने की कोशिश कर रही थी जो उड़ तो ना सकी पर गिरी जरूर। तो दोस्तों पार्ट टू में भी ऐसे ही कुछ कमाल के फनी पापा की परियों की वीडियो लेकर आए हैं जिनको देखने के बाद आपको काफी मजा आने वाला है। और दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि ऐसी वीडियो हम आपके लिए लाते रहें। दोस्तों ये बात तो आपको पता ही होगा कि लड़कियां, माफी चाहूंगा दोस्तों, पापा की परियां, सड़क इनका घर है, पार्किंग इनका रोड है, पापा की परी इनका नाम है। यकीन नहीं होता ना दोस्तों, तो इस वीडियो को देख लो, आपको यकीन हो जाएगा। यहाँ एक परी नहीं बल्कि पापा की दो परियां तुली हैं स्कूटी सीखने को, पर वीडियो देखने के बाद समझ आया कि ये स्कूटी नहीं सीख रही बल्कि स्कूटी इनको सीख रहा है। नो 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 नो। भाई पापा की परियां पहले ही इतनी खतरनाक थी, अब इन्होंने एक और नया शौक पाल लिया है, वो शौक है चलती हुई स्कूटी पे वीडियो बनाने और सेल्फी लेने की। अब इन दो गुलाबों को ही देख लो, खड़ी स्कूटी संभलती नहीं और चलते में स्टंट करना है। क्या जरूरत है यार ये प्रूफ करने की कि हम पापा की परी हैं, हमने मान लिया भाई तुम पापा की परी हो। ये वो पापा की परियां हैं जिन्हें खुला मैदान भी दे दो तो भी ये ब्रेक नहीं लगाती बल्कि ये रॉकेट के माफिक आगे बढ़ती जाती है। अरे ठहरो, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। ये वो पापा की परियां हैं जो अपनी मर्जी से उड़ती है और अपनी मर्जी से रुकती है, मतलब भाई स्कूटी संभलती नहीं और बुलेट संभालेगी। ये परी तो बहुत ही अनोखी निकली, इसकी स्कूटी की पार्किंग करने का स्टाइल देख के तो अच्छे अच्छे लोग चक्कर खा जाए। तो दोस्तों आप भी देख लीजिए इस वीडियो को। और क्या आपने भी कभी ऐसे स्कूटी पार्क किया है, हमें कमेंट बॉक्स से कमेंट जरूर करें। अब इस पापा की परी को ही देख लो, ये निकली तो है शॉपिंग करने के लिए, पर इसको इतनी जल्दी थी शॉपिंग करने की कि इसने स्कूटी को ही दुकान के अंदर दे मारा। लेकिन इन सब के बावजूद कोई इन्हें कुछ नहीं कह सकता, सब चुपचाप ही निकल जाते हैं ये सोच कर कि लड़की है, क्योंकि महिला सशक्ति का हथियार तो पहले ही इनके पास है। अब ये मत कहना कि लड़की की गलती है, सारी गलती ट्रक की है, ये बेचारी तो सीधा निकल रही थी, ट्रक वाला ही जबरदस्ती यूटर्न लेकर आया और स्कूटी में ठोक दिया। दोस्तों इतिहास गवाह है, लड़की द्वारा किसी को ठोके जाने पर किसी ने सबसे पहले ठुकने वाले की मदद नहीं की होगी, सबसे पहले मदद की जाती है लड़की की और लड़की की स्कूटी की। और जब सब कुछ क्लियर हो जाए, लड़की की स्कूटी और लड़की दोनों ठीक है, तब नंबर आता है उस बेचारे ठुकने वाले का। वो भी लोग उसी बंदे की ही गलती बता रहे होंगे जिसकी कोई गलती नहीं होगी। पता नहीं भाई ये कौन सा गुरुत्वाकर्षण बल है जो सिर्फ पापा की परियों में होता है, माँ के मगरमच्छ में नहीं। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो? दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और दोस्तों हम जल्दी मिलेंगे पापा की परियों के पार्ट 3 वाली वीडियो लेकर। और दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का एक बार फिर से धन्यवाद।